दोस्तों, आपने थंबनेल पे बिल्कुल सही देखा है कि हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है। जिस तरह से ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज हमें बेवकूफ़ समझती है, हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है, हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है बिल्कुल। तो दोस्तों, मेरा नाम है सुधांशु राय और हमारे चैनल रॉय इंसाइक्लोपीडिया के एक नए और फ्रेश वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे अभी तक आपको ये न्यूज़ मिल ही गया होगा। वैसे अगर आपको नहीं पता है, नहीं अभी तक न्यूज़ मिला है, तो मैं बता देता हूँ। जियो ने जो स्टार्ट किया था IUC चार्ज का कॉन्सेप्ट, कि आपको ऑननेट कॉल करने पे अनलिमिटेड मिलता था, यानी कि जियो टू जियो कॉल करने पे अनलिमिटेड मिलता था, और जियो से अगर आप किसी और नेटवर्क पे कॉल करते हैं तो आपको एक लिमिट दे दिया गया था 1000 मिनट या 3000 मिनट का प्लान के अकॉर्डिंग, और वो ख़त्म होने के बाद आपको 6 पैसे पर मिनट के हिसाब से जियो को पे करना पड़ता था अगर आप दूसरे नेटवर्क पर कॉल करना चाहते हैं। तो इसी चीज़ को एयरटेल आइडिया और वोडाफोन ने भी स्टार्ट कर दिया। जब 3 दिसंबर को इनका प्लान चेंज हुआ, इन्होंने अपने प्लान के प्राइस में 200 रुपये का इंक्रीमेंट किया, 200 रुपया ज़्यादा महंगा कर दिया। उसके साथ साथ ये लोग अनलिमिटेड कॉल को भी बंद कर दिए थे और लिमिट लगा दिए थे कि आपको पहला 1000 मिनट या पहला 3000 मिनट, प्लान के अकॉर्डिंग था उनका कि कौन सा कैसा प्लान है, आपको फ्री मिलेगा दूसरे नेटवर्क पे बात करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप दूसरे नेटवर्क पे बात करना चाहते हैं उसके बाद भी, तो आपको 6 पैसे पर मिनट के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। तो अब दरअसल न्यूज़ ऐसी आई है कि सबसे पहले तो 6 दिसंबर को एयरटेल ने इसको हटा दिया जी बिल्कुल। अगर अब एयरटेल ने साफ साफ बोल दिया कि हम वापस से प्लान को अनलिमिटेड रखने वाले हैं, आपको जितना मन है उतना कॉल कीजिए, हम आपसे कोई एक्स्ट्रा 6 पैसे पर मिनट के हिसाब से चार्ज नहीं करने वाले हैं। और आज यानी कि 7 दिसंबर को वोडाफोन और आइडिया ने भी ये बोल दिया, ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। और आप चाहे तो उनके साइट पे भी जाके देख सकते हैं, मैं आपको कुछ स्नैपशॉट यहाँ पे दिखला देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने भी लिख दिया है इन कंपनीज़ का जितना भी प्लान है, जहाँ पे पहले लिखा रहता था अनलिमिटेड कॉल, लेकिन 1000 या 3000 मिनट का FUP, उसको हटा के ट्रूली अनलिमिटेड लिख दिया गया है। तो अब बात ऐसी हो गई है कि अगर आप एयरटेल और वोडा और आइडिया में रिचार्ज करते हैं अनलिमिटेड प्लान का, तो कॉलिंग अनलिमिटेड होने वाली है, कोई भी FUP नहीं लगने वाला है। लेकिन हाँ, जियो में अभी भी है, जियो से अभी भी आप बात करते हैं तो पहला 1000 या 3000 मिनट फ्री मिलेगा उनके प्लान के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके बाद भी आपको बात करना है तो आपको उनको 6 पैसे पर मिनट के हिसाब से देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ हम बेवकूफ़ क्यों बने? क्या हमें इन कंपनीज से सिर्फ इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि इन्होंने अपने अनलिमिटेड प्लान में FUP लगा दिया था, या फिर इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने प्लान में 200 रुपये का इंक्रीमेंट किया है? जी बिल्कुल, जो प्लान आपको अभी तक 400 रुपये का मिल रहा था, उस प्लान का प्राइस बढ़ा के 600 रुपये कर दिया गया। और ये जो प्लान बढ़ाने का वो रीज़न दे रहे हैं, वो सब तो उनकी गलती है, तो फिर हमसे क्यों लेना चाहते हैं? तो क्या ऐसे में हम बेवकूफ़ बन जाएं? अब हम ये सोच ले कि हाँ, एयरटेल ने अनलिमिटेड कॉल देना स्टार्ट कर दिया वापस से, कोई लिमिट नहीं, आइडिया ने दिया, वोडाफोन ने दिया, तो हम जियो छोड़ के आइडिया एयरटेल वोडाफोन में आ जाते हैं? क्योंकि आज ही आपसे 600 ले रहे हैं, कल 6000 लेंगे, और आपको देना ही होगा, क्योंकि जैसे कि आज इन्होंने प्लान के प्राइस को बढ़ाया, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, वैसे ही आगे भी ये 600 के प्लान को 6000 कर देंगे और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, आप इस प्लान को के प्राइस को कम नहीं करवा सकते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो अभी हम कुछ कदम उठा ले, या हमेशा हम 600 मांगेंगे तो 600 दे, 6000 मांगे तो 6000 दे। क्योंकि यहाँ पे बात कुछ ऐसी है कि हम खुद बोलते हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन जाल में फंसना मत, और हम खुद वहाँ फंसने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको आपने एक ऐड जरूर से देखा होगा TV पे कि प्लेन में कुछ पैसेंजर्स बैठे रहते हैं और कुछ इशू के कारण फ्लाइट 5 मिनट के लिए डिले हो जाता है, यानी कि 5 मिनट के लिए लेट हो जाता है। तो अब सब सोचते हैं कि अगर हम कस्टमर्स को बता देंगे, अगर हम पैसेंजर्स को बता देंगे कि फ़्लाइट 5 मिनट डिले है, तो वो नाराज़ हो जाएंगे, अपनी नाराज़गी जाहिर करेंगे। तो उसमें एक दिमाग वाला पायलट होता है, वो क्या बोलता है कि फ़्लाइट 1 घंटे डिले हो गई है, लेकिन फटाक से वो अनाउंसमेंट कर देता है कि आपके लिए गुड न्यूज़ है कि फ़्लाइट 5 मिनट में यहाँ से टेक ऑफ होने वाली है, 1 घंटे डिले नहीं होगी। तो एक्चुअली में डिले हुआ था 5 मिनट के लिए ही, लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजिकली कुछ इस तरीके से बोला गया पहले कि 1 घंटे डिले हो गई है, लोग काफ़ी निराश हो गए, और जब बताया गया कि 5 मिनट में ही टेक ऑफ होने वाला है, तो लोग काफ़ी खुश हो गए कि अरे वाह, 1 घंटे का डिले टल के सिर्फ 5 मिनट का हो गया, जबकि एक्चुअल में 5 मिनट का ही डिले होने वाला था। तो यहाँ पे ये कंपनीज भी आपके साथ कुछ ऐसी ही चीज़ें कर रही हैं, ये आपको अनलिमिटेड कॉल वापस देके ये बताना चाहती है कि हम आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जबकि ये तो आप देख ही नहीं रहे हैं कि इनका प्लान का प्राइस बहुत ज़्यादा अभी भी है। जो 400 रुपये का प्लान 600 रुपये का हुआ था, 200 रुपये ज़्यादा इन्होंने ये हमसे ले रहे हैं, उसमें अभी इन्होंने कोई चेंज नहीं किया, उतना ही प्लान के प्राइस को आपको देना पड़ेगा। क्योंकि ट्विटर पे जब इन कंपनीज ने ट्वीट किया, वोडाफोन ने, आइडिया ने, एयरटेल ने, कि ट्रूली मतलब अनलिमिटेड मतलब ट्रूली अनलिमिटेड, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े हैं कि मेरे पास वोडाफोन का सिम है,
अब वो कमेंट ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि एयरटेल ने 6 दिसंबर को ही अनाउंस किया है और आइडिया वोडाफोन ने 7 दिसंबर को अनाउंस किया है। तो एयरटेल ने जब अनाउंस किया तो काफ़ी सारे लोग वहाँ कमेंट करने लगे, मेरे पास वोडाफोन का सिम है, मैं एयरटेल में पोर्ट करवाऊंगा, मेरे पास आइडिया का सिम है, मैं एयरटेल में पोर्ट करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही है। भाई साहब, अनलिमिटेड कॉलिंग तो आपको तब भी मिलती थी जब आप 399 का प्लान लेते थे, जहाँ पे आपको 1.5 GB डाटा पर डे मिलता था, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलता था बिना किसी FUP के, बिना किसी लिमिट के, और साथ ही 100 SMS पर डे। तो अनलिमिटेड कॉलिंग तो आपको तब भी मिलती थी। अभी क्या हुआ है कि जो भी 399 का प्लान है, 400 रुपये का प्लान है, फिर उनका जितना भी प्लान है कंपनीज का, उसको कंपनी ने इंक्रीज कर दिया है। 300 का प्लान 400 का प्लान 600 हो गया है, यानी कि सीधा का सीधा 200 रुपये का इंक्रीमेंट है। वो हर एक कस्टमर से 200 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं उसी प्लान का, तब वो आपको 1.5 GB डाटा दे रहे हैं और अनलिमिटेड कॉल दे रहे हैं, जो कि आपको पहले भी मिलता था, इसमें कोई नया बात नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने लिमिट लगा के बहुत बड़ी गलती की थी। तो सिर्फ इस लिमिट को हटाने से आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि हम वापस से एयरटेल में जाएंगे, एयरटेल हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहा है? तो भाई साहब, यहाँ पे एक सिंपल सा बात है, अगर आप इन कंपनीज़ के पीछे पीछे भागेंगे ये आपको परेशान करती रहेगी, लेकिन जिस दिन आपने इन कंपनीज़ को अपने पीछे भगाना स्टार्ट कर दिया, उस दिन जो भी काम होगा, चाहे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ही क्यों ना हो, टेलीकॉम मार्केट क्यों ना हो, जो भी काम होगा वो हमारे ही फेवर में होगा, कंज्यूमर्स के फेवर में होगा। और गाइज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो तो आप देखिए ही, इस वीडियो के बाद मैं ऊपर कार्ड में एक लिंक दे रहा हूँ आपको, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है जो कि मैंने कल ही अपलोड किया है, तो वो वीडियो आप जाके ज़रूर से देखिए। वो वीडियो तो 24 मिनट का है, आप 2x के स्पीड पर देख लीजिए, जल्दी जल्दी देख लीजिए, जैसे आपको देखना है देख लीजिए। वीडियो लंबा है, लेकिन उस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई है, कैसे ये कंपनीज आपको लूटना चाह रही है, आगे फ्यूचर में आपके साथ क्या क्या होने वाला है, इससे बचने का क्या रास्ता है, मैं इसमें भी आपको बचने का रास्ता बताऊंगा। लेकिन उस वीडियो में मैंने आपसे बहुत सारी बातें की हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं कर सकता हूं, वरना वापस से ये वीडियो भी वही 24 मिनट का हो जाएगा। तो आप ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो जरूर से जाके देख लीजिए, आपको उससे बहुत कुछ पता चलने वाला है। आप वो वीडियो देखने के बाद ये नहीं कहेंगे कि मैंने ये वीडियो क्यों देख लिया, बल्कि आप ये कहेंगे कि आपने वो वीडियो अभी तक क्यों नहीं देखा है। तो ये वीडियो पूरा तो देखिए ही, उस वीडियो को भी जाकर जरूर से देख लीजिए। और गाइस, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं वीडियो बना देता हूँ, वीडियो कुछ लोगों के बीच रह जाता है, लोगों तक नहीं पहुँच पाता है मेरी बातें, तो आपका मेरा काम था वीडियो बनाना, मैंने वीडियो बना दिया। आप इस वीडियो को देखिए, अगर आपको पसंद आता है मुझे कमेंट करके अपना ओपिनियन दीजिए, अपना ओपिनियन देने के साथ आप मुझे बताइए कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, और इस वीडियो को शेयर जरूर से कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे बात इतना ही है कि प्लान उन कंपनीज़ का अभी भी वही है, 600 रुपये में आपको 1.5 GB डाटा पर डे दे रहे हैं, साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS पर डे, जो कि पहले आपको सिर्फ 400 रुपये में मिलता था। और साथ ही इतना ही नहीं, अगर आपके पास ऐसा सिम है एयरटेल का जिसको आपने बैंक वगैरह में डाला हुआ है, या कहीं ऐसा जगह डाला हुआ है जो आपके लिए बहुत काम का है, क्योंकि भाई साहब जियो का 2G 3G नेटवर्क है नहीं, अगर आपके पास 4G फोन नहीं है तो जियो सिम काम करेगा नहीं, आपने बैंक में डाला या कहीं डाला है तो आपके साथ दिक्कत होने वाली है। तो डेफिनेटली आप एयरटेल का, आइडिया का, वोडाफोन का 2G सिम यूज़ कर रहे होंगे, या कोई भी सिम इस जगह यूज़ कर रहे होंगे, जो कि आपको तब भी काम देगा जब आपके पास 4G फोन नहीं है, क्योंकि इनके पास 2G नेटवर्क भी है जो कि जियो के पास नहीं है, और आप किसी भी फोन में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप अभी तक अपने सिम में इनकमिंग और आउटगोइंग स्टार्ट रखने के लिए हर एक मंथ 35 का रिचार्ज करते थे, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, एक फ़ोन बस वो इसलिए रखते थे ताकि दूसरे को मिस्ड कॉल देके काम चला सकें, और वो 35 का मंथली रिचार्ज करते थे ताकि उनके सिम का इनकमिंग आउटगोइंग स्टार्ट रहे। तो अब वो भी बंद कर दिया गया है। अब अगर आपको अपने सिम का इनकमिंग स्टार्ट रखना है तो आपको कम से कम 49 रुपीज़, यानी कि मिनिमम 50 रुपीज़ का रिचार्ज पर मंथ करना पड़ेगा, हर एक महीना 50 रुपये का रिचार्ज करना पड़ेगा, जिसमें आपको कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ 38 का टॉक टाइम, और सिम की वैलिडिटी 1 महीने बढ़ जाती है, और कुछ नहीं है। अगर कॉल रेट की बात करूं तो वो 1.5 रुपये मिनट, यानी कि 2.5 पैसे पर सेकंड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो ये कंपनीज ने हमारे साथ हमेशा से गलत किया है और आगे भी गलत करती रहेंगी, कि अभी क्योंकि अभी जब टेलीकॉम मार्केट में 4-4 अलग कंपनीज प्रेजेंट है, फिर भी हालत ऐसी आ गई है कि ये कंपनीज प्लान के प्राइस को बढ़ाए जा रही है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज 600 किया है, अगर कल 6000 भी करेंगे तो हमें इन कंपनीज को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमें डाटा चाहिए, हमें कॉलिंग चाहिए। और ट्राई से तो आप बिल्कुल भी उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि ट्राई हमारे फेवर में आज तक कुछ किया ही नहीं है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल ही दूं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में ही दिया था, तो DTH के बारे में ही सोचिए। पहले लोग 200 से 220 रुपया 210 रुपया ऐसे रिचार्ज करते थे, तो जितना सारा चैनल देखते थे, आज उतना चैनल भी वो 300 का रिचार्ज करने के बाद भी नहीं देख पा रहे हैं। पहले 200 रुपये में वो जितना सारा चैनल देख लेते थे, आज उसका आधा चैनल वो
300 रुपये का रिचार्ज करके भी देखते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है, तो ट्राई कुछ भी करता है तो टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए ही करता है, हमारे लिए कुछ करने वाला है नहीं। तो अब दोस्तों मैं आपको सबसे मेन टॉपिक इस वीडियो का बताता हूँ कि बचें कैसे, क्या तरीका है, कैसे हम वापस से इन कंपनीज को मजबूर कर सकते हैं प्लान के प्राइस को डाउन करने के लिए, और साथ ही हम वापस से अभी भी हमारे पास ऑप्शन है जिसमें हम 400 का रिचार्ज करके अनलिमिटेड कॉलिंग, अनलिमिटेड डाटा और 100 SMS पर ले सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ BSNL भारतीय संचार निगम लिमिटेड। जी बिल्कुल, ये गवर्नमेंट कंपनी है जो कि हमारे लिए हमेशा से अच्छा करती आई है। जिस टाइम में एयरटेल आपको 400 रुपये लेके आपसे 1 GB डाटा प्रोवाइड करता था, उस टाइम भी BSNL सस्ता था, वो 200 रुपये में 1 GB 2 GB 3 GB डाटा देता था, जो कि काफ़ी अच्छा काम करता था। तो दोस्तों BSNL में अभी भी बहुत सारा प्लान है जो कि आपके फायदे के लिए, उसमें 118 का प्लान है जिसमें आपको अनलिमिटेड डाटा मिलता है, अनलिमिटेड कॉलिंग वगैरह मिलता है। सबसे बेस्ट प्लान है उनका 399 का जिसमें 1 GB डाटा पर डे मिलता है, अनलिमिटेड कॉलिंग यानी कि 250 मिनट पर डे, 4 घंटा से ऊपर होता है उतना कोई बात करता नहीं, अनलिमिटेड ही समझिए, 100 SMS पर डे मिलता है। अगर आपको 2 GB डाटा चाहिए तो 448 का उनका BSNL का एक प्लान है, तो 448 के BSNL के प्लान में आपको मिलता है 2 GB डाटा पर डे, अनलिमिटेड कॉलिंग, 250 मिनट पर डे का FUP है यानी कि 4 घंटा बहुत ज़्यादा होता है, और साथ ही 100 SMS पर डे, और बहुत ही कुछ उसमें मिलता है। अगर मैं कॉलर ट्यून की ही बात करूँ वो सब भी उसमें आपको मिल रहा है। उसके साथ ही BSNL में कुछ ऐसा रूल भी नहीं है कि आपको पर मंथ 50 का रिचार्ज करना पड़ेगा अगर आपको सिम को इनकमिंग स्टार्ट रखना है, तो उसमें आप 74 रुपीज़ का सिर्फ रिचार्ज कीजिए और आपका सिम 6 महीने तक चलेगा, 6 महीने तक उस सिम की आउट गोइंग और इनकमिंग स्टार्ट रहेगी, सबसे सस्ता हुआ है। तो ये भी तब काम करेगा जब सरकार हमारा साथ देती है। अगर गवर्नमेंट BSNL के इस प्लान को ऐसे ही रहने देती है, अगर गवर्नमेंट BSNL के इस प्लान को और महंगा नहीं करती है, जो भी चल रहा है वैसे ही रहने देती है। साथ ही सबसे बड़ा इश्यू है नेटवर्क का, बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे BSNL का नेटवर्क अच्छा नहीं है, तो अगर गवर्नमेंट लगातार इस नेटवर्क को अच्छे करने की कोशिश करती है तो, और अगर आपके तो अगर आपके यहाँ BSNL को अच्छा नेटवर्क आता है तो डेफिनेटली आप पोर्ट करवा लीजिए BSNL में। पोर्टिंग का मतलब होता है कि आप सेम नंबर के साथ, जो नंबर आपका जियो में है उसी नंबर के साथ BSNL में जा सकते हैं। पोर्ट करने के लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है, आपको 1900 पे एक मैसेज करना पड़ता है, कैपिटल लेटर में लिखना पड़ता है PORT पोर्ट, और साथ ही स्पेस डाल के आपका फ़ोन नंबर, आपको एक UPC कोड मिल जाता है, उस UPC कोड को आप दुकान में ले जाइए, उनको दीजिए, वो आपको सेम नंबर पे एक नया सिम दूसरे कंपनी का दे देंगे। तो डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं कि इन कंपनीज पे प्रेशर पड़े तो आप BSNL में पोर्ट करवाइए, वो भी थोड़ा बहुत कस्टमर करने से नहीं होगा। वीडियो को आप फैलाइए, बहुत से लोग अगर देखते हैं, बहुत से लोग अगर पोर्टिंग कोड मंगवाते हैं तो कंपनी को पता चलेगा कि हाँ, क्योंकि हमने प्लान का प्राइस बढ़ाया है। इनफैक्ट वो आपको कॉल भी करते हैं, आप पोर्ट क्यों करवाना चाहते हो, तो उनको रीज़न दीजिए कि आपने प्लान के प्राइस को बढ़ा दिया है इसलिए हम पोर्ट करवा रहे हैं। तो डेफिनेटली जब कंपनी के पास बहुत सारा पोर्टिंग कोड जाएगा तब उनके ऊपर भी लोड पड़ेगा, समझ जाएंगे क्योंकि हमने प्लान के प्राइस को इंक्रीज़ किया है इसलिए लोग हमारा नेटवर्क छोड़ के जा रहे हैं। तो डेफिनेटली वो अपने प्लान के प्राइस को भी कम करेंगे और नेटवर्क भी अच्छा देने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर आपके एरिया में BSNL का नेटवर्क अच्छा है तो बिल्कुल आप BSNL में पोर्ट करवा लीजिए, और अगर आप सिर्फ कॉलिंग करते हैं तो BSNL आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि कॉलिंग के लिए 2G नेटवर्क उनका दुनिया के हर एक कोने में, दुनिया नहीं यानी कि इंडिया के हर एक कोने में, और डाटा के लिए तो खैर कुछ जगह गड़बड़ है लेकिन कुछ जगह बहुत अच्छा है, तो आप उसके मुताबिक देख सकते हैं। अगर आपके एरिया में नेटवर्क अच्छा आता है तो यही टाइम है, आप BSNL में पोर्ट करवाइए, आपको उसी पुराने प्राइस में बहुत अच्छा खासा डाटा भी मिलने वाला है, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलने वाली है और सब कुछ मिलने वाला है, और साथ ही कंपनीज को भी समझ में आएगा कि हाँ, अगर हम साथ छोड़ देंगे कस्टमर्स का, फिर भी एक ऐसी कंपनी है जो कस्टमर के बारे में अभी भी सोच रही है, BSNL, आप उसमें पोर्ट करवा लीजिए, आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन भी बचा हुआ है। और साथ ही इन कंपनीज का साथ देने के बारे में आप सोचिएगा ही नहीं, आप मेरा वो वाला वीडियो जाके देख लीजिए, मैं वापस से बोल रहा हूँ, उसमें मैंने आपको बहुत कुछ बताया है कि कैसे ये इन सारे कंपनीज का गलती है जिसके वजह से इनके ऊपर इतना कर्ज आया है, और अब ये चाहते हैं कि पहले भी कस्टमर्स को लूटते थे और अभी जो कंपनी का कर्ज है वो भी कस्टमर को लूट के ही चुका है, तो ये बहुत बड़ी बुरी बात है। तो आप जाके वो वीडियो जरूर से देख लीजिए। साथ ही मैंने जियो के बारे में भी बताया है कि जियो कैसे आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है, आप जियो पर भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आपको वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। और गाइज ये वीडियो भी काफ़ी लंबा बन चुका है तो मैं इसको यहीं पर रोकता हूँ। तो आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे, और अगर आपके एरिया में नेटवर्क अच्छा आता है तो आप BSNL में इंपोर्ट करवा के जरूर से यूज़ करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।